देखिएगा समाकलन की अगली कड़ी में है, जैसे पहला सवाल है एक्स की घात है 3 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के पहले आपने मार्क लगाया एक्स की घात है 3 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक्स घात 3 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को आगे बढ़ाएंगे, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाहर कर लीजिए अंदर हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्स की घात 3 से एक्स स्क्वायर से एक्स घात 3 की 2 घात कैंसिल हो जाएगी, बचेगी एक घात, मतलब यहां हो गया एक्स डी एक्स माइनस ये तो मूल रूप में ही रहेगा 1 है, तो इसको आप डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये और लिख सकते हैं या इसी वक्त आप इसको भी व्यवस्थित कर लेंगे, तो इसको जो व्यवस्थित कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा इस रूप में ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 इंटू में डी एक्स। ओके चलिए अब एक्स पर कितनी घात है, 1 है, फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ये अपना फार्मूला कहता है। तो उसी फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर 1 है, वो फार्मूला ये कहता है कि अगर यहाँ जितनी घात है उसमें एक बढ़ा के भिन्नात्मक रूप से वही गिनती आप लिख देंगे और कुछ है नहीं उसमें, तो एक्स पर एक घात है एक्स में एक बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, एक 2 जो है नीचे रख देंगे, माइनस एक्स पर -2 है तो एक्स में -2 है तो एक जोड़ देंगे और वही यही जो घात पर जो है वही जो है हर में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -2 + 1 और ये हो गया प्लस, इसको आगे बढ़ाते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 -2 + 1 एक्स -1 हो गया, एक्स पे -1 हो गया, -2 + 1 -1 हो गया प्लस ये हो गया। आगे बढ़ाते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 -± हो जाएगा, एक्स पर -1 है इसको हम 1/x लिख सकते हैं प्लस सी, तो अपना फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर बाई 2 +1/x प्लस सी। तो आप इसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। उसके बाद लाते हैं दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है इसमें देखिएगा जो भी चल रहा है वही एक ही फार्मूले पर अभी आप आ रहे हैं, एक्स पर एन घात है तो वही एन में एक जोड़ना है और वही आंस में लिखना प्लस सी कर देना। दूसरा सवाल अपना है, दूसरा है एक्स की पावर 2/3 +1 डी एक्स, इसको आगे बढ़ाते हैं तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाहर कर लीजिए डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 +1 अपॉन 2/3 +1 प्लस 1 डी एक्स है, तो इसका हो जाएगा एक्स और प्लस सी। आगे बढ़ते हैं 3 × 3 = 5 एक्स की घात 5/3 बटे में 3 × 3 = 5 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। फिर आगे बढ़ते हैं ये 5/3 को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 3/5 3/5 एक्स की घात 5/3 प्लस एक्स प्लस सी, ये रहा आपका फाइनल आंसर 3/5 एक्स की घात 5/3 प्लस एक्स प्लस सी। इसमें किया क्या गया है 2/3 में आपने जोड़ा है, हमने बताया कि जो घात बनता है वही फिर हर बन जाता है, तो एक्स पर 2/3 था तो 5/3 आया, 5/3 वही हर बना प्लस एक्स डी एक्स का होता है एक्स प्लस सी। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया 5/3 हो गया 3/5 एक्स की घात 5/3 प्लस एक्स प्लस सी, तो ये राज का फाइनल आंसर। इसके बाद हम चलते हैं
ऐसे सवाल की श्रृंखला बढ़ती रहेगी। हाँ, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उस समस्या का हम निदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुधार हर किसी से सुधार जो अपेक्षित रहता है, सुधार जारी रहे ठीक ही है। उसके बाद हम पाते हैं तीसरा सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस 1/x dx, इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपका यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 dx प्लस 2 बाहर कर लेंगे e की पावर एक्स dx, फिर माइनस बाहर करेंगे 1/x का हो जाएगा x की पावर माइनस 1 dx, या 1/x को मूल रूप में रहने दीजिए क्योंकि इस पर अलग फार्मूला लगेगा, इसलिए घात को ऊपर ले जाने की भिन्नात्मक रूप के बजाय ऊपर ले जाने कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह हो जाएगा x की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 2। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये फार्मूला है, अगर e की पावर x dx दिया गया है तो इसको आप देखेंगे e की पावर x माइनस, ये भी सब इसके नीचे जो लिखेंगे और इसके फार्मूले का ही और इसके समाकलन का ही होगा, इसका हो जाएगा 1/x dx बराबर होगा log mod x plus c। आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार हो गया, इसका रूप हो गया, इसका रूप a है और इसको तो आप शुरुआत में दो चार सवाल लगा ही चुके हैं, उसी रूप में ये चल रहा है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, 3×3 = 5 एक्स की घात से 5/3 × 3 = 5 प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c, इसको आप व्यवस्थित कर लेंगे 5/3 हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस सी। आई होप मतलब कि आपका क्वेश्चन में आ गया होगा, तो आपका फाइनल आंसर है इसका 3/5 एक्स की घात 5/3 प्लस 2 ई की पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सवालों को देखा और आपको यह समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए पंकज कोडिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।